Perfect. तो गाइस अभी चलते हैं, आज थोड़ी गाड़ियां साफ करते हैं। काफी दिन से गाड़ियों की शिफ्टिंग वगैरह की है। कल मैं थोड़ा सा फर्नीचर था जो पुराना वो फेंक के आया, वो तोड़ा है, तो जिसकी वजह से और गंद हो गया गाड़ी। और पीछे एक पानी की बोतल पड़ी थी इसकी गाड़ी की, वो भी किधर लीक हुई है या उसका ढक्कन खुल गया, वो सारी गिर गई है, जिसकी वजह से वो मुझे सारा जो है ना वॉश करना पड़ा है। सो वैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये चेक करें, ये सारा इसके अंदर पानी पानी हो गया। इसको मैंने तो ड्राई कर लिया, लेकिन अभी जा रहा हूँ गाड़ी भी धोने। ये सारा जो है वो फर्नीचर वगैरह शिफ्ट किया तो उसका गंद बना। तो चलते हैं, अली भी वहाँ से उस दूसरी साइड से वो गाड़ी निकाल रहा है, वो उसकी गाड़ी वो जा रही है, ये निकाल रहा है। तो मैं भी जाता हूँ तो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत गाड़ियाँ साफ करते हैं आज। सो बगैर लेट्स गो चलते हैं, और आज आपको भी दिखाते हैं कैसे यहाँ पे गाड़ी वगैरह साफ की जाती है, या अगर खुद साफ करनी है तो कैसे करते हैं। सो लेट्स गो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन आपको वेलकम करते हैं, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोगों को हमारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और अगर तुम्हारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाला हर व्लॉग आपको मिलता रहे। तो जैसे कि आपको बताया गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करने आए हैं आज, तो चले अभी जुड़े रहिए तब तक साथ। आप जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो अभी साथ कॉफ़ी वगैरह भी पी लें यहाँ पे, जहाँ से गाड़ी वगैरह वॉश करानी है, साथ ही उसकी बार वगैरह बनी, वहाँ से पैसे भी चेंज कराए हैं, क्योंकि वो जो मशीन्स वगैरह है गाड़ी धोने वाली उस पर वो क्वाइंस डलते हैं। सो कॉफ़ी वगैरह पिए साथ, वो पैसे भी जो है चेंज हो गए साथ। तो अभी चलते हैं, अली आ जाए। सबसे पहले तो ये वैक्यूम वगैरह चलाते हैं, इसमें अभी पैसे वो डाल रहा है अली, इसको चला के इसको उठाते हैं पहले। प्रोग्राम वाड़े इसलिए गया कि ये आगे से बंद हुआ तो मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, ये इसमें से ये गंद वगैरह निकला। सो अभी दोबारा इसमें पैसे डालते हैं। तो अभी इसका प्रेशर बना है, मैं काफ़ी देर से लगा हुआ था, वो गाड़ी साफ़ ही नहीं हो रही। असल में गाड़ी जब से ली आज फर्स्ट टाइम धोने लगा, मतलब साफ़ करने लगा। तो गाइस वैसे ये कार वाश बना हुआ है, ये मैनुअल है, ये भी मैनुअल है, और ये ऑटो है। ऑटो में ये है कि वो बाहर से बस अपने हिसाब से, न्यू गाड़ियां ज़्यादातर वहाँ पे धोई जाती हैं ताकि अपने हिसाब से, मतलब सिंपल सी वॉश कर देता है गाड़ी। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से अच्छे तरीके से गाड़ी धो सकते हैं, हम लोग हमेशा ही नहीं मैनुअल पर कराते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी से अच्छे से हम गाड़ी को वॉश कर सकें। सो अभी चलते हैं, साथ साथ आपको भी दिखा दें। ये सबसे पहले ये डिटर्जेंट लगाएंगे, इसमें केमिकल वगैरह होता है, कोई भी गाड़ी का दाग वगैरह किसी भी किस्म का ऑयल ग्रीस इस तरह का हो उसी टाइम साफ हो जाएगा। सबसे पहले ये हम चलाएंगे, इसमें इधर सिक्का डालेंगे। तो ये कॉइन हमने चेंज करवा लिए थे, ओके। अभी ये मैं प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे वो स्टार्ट हो गया, और वो आप ये प्रेशर के साथ ऐसे ही हम चलाएंगे सारी जगह मिलाएंगे। केमिकल वगैरह एक दफ़ा स्प्रे करेगा सारा, देन उसके बाद जो है जितने भी दाग और गंद वगैरह सारा वो जो है ना ब्रश लगाने से इजी उतर जाएगा। तो अभी वो लगा दिया, इसके बाद अभी ये फोम पे आ जाते हैं, शैम्पू पे आ जाते हैं। सो अभी ये शैम्पू स्प्रे करेगा पूरी गाड़ी पे। सो ये वाला जो है ना सीन, ये वो ऑटो लवाजो पे नहीं मिलता, जैसे कि वो अभी एक गाड़ी धो रही है अभी वो औरत, तब ये सारी फॉर्म लगाएगा गाड़ी को अच्छे तरीके से। मैनुअल पे आप अपनी मर्जी से वॉश कर सकते हैं। सो अभी सारी गाड़ी पे शैम्पू वगैरह लग गया, आप लोग देख सकते हैं। अभी ये इसके आगे ब्रश सा लगा हुआ है एक दफ़ा ऊपर से, साथ साथ अभी भी शैम्पू निकल रहा है, वो साथ साथ इसको कर रहा है, क्या नाम है, साफ कर रहा है, और गाड़ी ऐसे चमक के जो है ना पश पश हो जाएगी। तो गाइस अभी गाड़ी वगैरह साफ हो गया, अब इसमें और पैसे डालते हैं और पानी लगाते हैं। तो ये अभी पानी है सिंपल, इसके बाद एक शाइनिंग वाला होगा, ऑयल टाइप होगा वो, जिसकी वजह से वो है कि गाड़ी थोड़ा बहुत आपकी शाइन करेगी और
पानी के दाग नहीं रहेंगे, वो एंड पे लगा के फिनिश कर देंगे। सो गाइस फाइनली गाड़ी वॉश हो गई है, चेक करें। कैसी साफ हुई है, लश पश हो गई। हाँ जी ताज जी, जिंदाबाद अली पुत्र, काम चुक सड़े अज। सो अभी हमें वेट करना पड़ेगा दूसरी गाड़ी के लिए, उसको धोने के लिए, क्योंकि वो दूसरी गाड़ियाँ ऑलरेडी बंदे खड़े थे, वो वेट कर रहे थे। अब अगर तो हम पहले गाड़ियाँ लगा देते तो बेस्ट था, लेकिन मैं व्लॉग के साथ लगा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इसको तब तक थोड़ा बहुत ड्राई करते हैं, देन इसका नंबर आएगा इंशाल्लाह। और गाइस नंबर हमारा इस गाड़ी का भी आ गया। असल में ये हमारे इलाके की जो है सबसे अच्छी कार वाश है, और सर्विस भी इनकी अच्छी है, और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से रश आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। सो जब भी आप लोग आएँ, ज़्यादातर वीकेंड पे जो है आपको रश मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है, कोई बात नहीं। और सो अभी जल्दी से इसको धोते हैं, दूसरी गाड़ी जो अर्ली ड्राई कर रहा है वो आएगा, फिर इसको भी धोते हैं साथ और निकलते हैं फिर इंशाल्लाह। तब तक जुड़े रहिए साथ। मगाया जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो भाई देखें कैसे अभी इस पर शैम्पू वगैरह लगा के थोड़ी देर छोड़ते हैं, लिक्विड वगैरह पहले लगाया था, देन उसके बाद इसको साफ़ करेंगे। सो गाइस फाइनली दोनों गाड़ियाँ जो है साफ़ हो गई हैं, अभी चल रहे हैं घर, मार्केट भी जाना है, चेक करें कैसी वाश हुई। लेकिन जब से मैंने गाड़ी ली, आई थिंक आज पहली दफ़ा इसको धोया, वो तो चलें पुरानी है हमारे पास, लेकिन ये जो है अभी ली थी तकरीबन 6 महीने साल हुआ। सो चलते हैं, अभी अंदर से भी थोड़ी बहुत साफ कर ली है। कम करो, क्या कह रहे थे पहले? वो मैं बेच कौन जी पे आऊंगा, और तू आ रहे हैं, तू गल कर, तू के तू आ रहे थे जे मैं आज ही, जरा मोबाइल काट के वो बांटो जरा, इससे लाइट मारियो छडवी, लो देख लो दूसरा आप पर आईफोन की लाइट सड़ जानी है तेरी। यस गाइस, अच्छा के कह रहे थे? मैं कह रहा है, मैं कह रहा नहीं है, इधर एक को गल करन लगे थे पहले, इधर सुनियो जरा। ਆਰਡਰ ਇਚ ਨਾ ਪਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸੜ ਬਟ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਧਰ 100 ਯੂਰੋ ਇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਅਪਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਇਚ ਕਾ ਇਹ ਅਪਰ ਥਾ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਆ 85 ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਅਪਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲਤੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹਟਾਲੀਏ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਹੋਆ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੋ ਐਸੇ ਘੂਮ ਘੂਮ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਇਸਕੋ और एक भाई ने ना नया आईफोन लिया है 15 प्रो ना, तो वो भी ऐसे ही रखते हैं, यहाँ ये हाथ में पकड़ के ऐसे चलते हैं, कपड़े में तो ले यहाँ ऐसे पकड़ के तो बस ऐसे खुद ही देखते रहते हैं। वो तो मस्कान गया, पिछू जी बिड़ गए। बाय द वे गाइस, जो है आपको बताया था, वैसे तो ये फेस्टिवल जो है लास्ट वीकेंड होना था, लेकिन जैसे कि बारिश की वजह से और मौसम ख़राब होने की वजह से वो कल उन्होंने मूव कर दिया। सो पहले 11 जो है उसको था, फरवरी को था, और अभी जो है 18 को हो गया, मतलब संडे कल इंशाल्लाह। सो अभी वैसे थोड़ा थे घूमने वगैरह निकले हैं, क्योंकि फिर ठहर के खाना वगैरह भी खाएंगे, और देन उसके बाद जो है कल इंशाल्लाह इसको ब्लॉग वगैरह बना के आप लोगों से भी शेयर करेंगे। सो गाइस अभी चलते हैं घर, थोड़ा बहुत घूमने निकले थे और जाके भी खाना वगैरह भी खाते हैं, पहले बनाना है फिर खाना है। दोस्त वगैरह भी उधर ही सब आ रहे हैं, कुछ हमारे साथ हैं, ये सऊद है, दानिश है, और भट्ट भी है, पहले भी आपको पता है वो तो साथ ही। सो अभी चलते हैं जाके खाना वगैरह बनाते हैं, खाना खाते हैं, और जैसे कि वीकेंड है थोड़ी गपशप भी होगी, देन उसके बाद इंशाल्लाह कल का कुछ सोचते हैं। सो तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, आई होप आप लोगों को आज का भी ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर तो ब्लॉग पसंद आया इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाला हर ब्लॉग आपको मिलता रहे। हमें दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।